टू माई यूट्यूब चैनल एडिफाई ट्यूशंस, और आज हम पढ़ेंगे एवन एरिच के बारे में। ये एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर थे, एक एजुकेशनल थिंकर थे, जिन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत अपना योगदान दिया था। इन्होंने एक बहुत बड़ा फिलॉसफी दिया था एजुकेशन्स पे। तो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे एवन एरिच के बारे में, उनके एजुकेशन फिलॉसफी, उनके लाइफ स्केच और उनके एम्स ऑफ एजुकेशन पे के बारे में। जैसा कि हम देख सकते हैं उनके लाइफ स्केच के बारे में, तो एवन एरिच का एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर थे, एक रोमन कैथोलिक प्रेस्ट भी थे। उनका जो योगदान था वो सोशल राइटिंग्स पे था, एजुकेशन, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और समाज के रीतियों के बारे में काम किया था। उनका जन्म 4 सितंबर 1926 को वेना ऑस्ट्रिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 दिसंबर 2002 ब्रेमेन जर्मनी में हुई थी। एरिच की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जो जीवन था वो बहुत उतार चढ़ाव भरा था और उन्होंने अपने राजनीतिक स्तर पे भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। जब नाजी निज़म चल रही थी इटली में, यूरोप में, और वो वहाँ पे उन्होंने उनको वहाँ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था फेमिनिज़म का, और वार छिड़ गई थी, तो वो अपने फैमिली के साथ इटली भाग गए थे 1941 में, नाजीरिज्म से बचने के लिए, वहाँ के वॉर से बचने के लिए। जब वो रोम चले गए, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, तो रोम में जाने के बाद उन्होंने फिलॉसफी पढ़ा रोम में, उन्होंने थियोलॉजी पढ़ा और वो रोमन कैथोलिक प्रेस्ट बने 1951 में रोम में। वो अपने कामों के कारण एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर उभर के सामने आए थे 1960s और 1970s के अराउंड में, जिसके कारण उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर इज रेडिकल क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स में उनको उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने कॉन्वेंशनल सिस्टम को चैलेंज किया, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशंस पे उन्होंने अपना योगदान दिया और उसको बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे वर्क पे पब्लिश किए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम किए हैं, मेडिकल के क्षेत्र पे, एजुकेशन के क्षेत्र पे। तो उनका जो बहुत फेमस वर्क है जो उन्होंने बुक में अपना लिखा हुआ है, डे स्कूलिंग सोसाइटी, जो उन्होंने 1971 में पब्लिश किया था, इसमें उन्होंने ये बताया था कि स्कूल जो है बच्चों की क्रिएटिविटी को और उसकी ट्रू लर्निंग को हिंडर कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों का नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का, बच्चे खुद से पढ़े, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट होना चाहिए बच्चों का और अपनी खुद की लर्निंग पे कंट्रोल होनी चाहिए, जो बेहतर तरीके से वो अपने आप पढ़ सकते हैं वो स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ट्रू लर्निंग हिंडर हो। इसके साथ साथ उनके और भी बहुत से वर्क्स थे एरिच के, जो मेडिकल नेमेसिस था, जो एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ हेल्थ, जो 1971 में एक बुक पब्लिश किया था मेडिकल को क्रिटिसाइज़ करते हुए, उसके टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, और उन्होंने ये बताया कि मेडिकल के कुछ इंटरवेंशंस हैं जो हार्म कर रहे हैं। उनका अपने करियर के लिए एक बहुत सारे टॉपिक्स पर उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ केयर पे उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी था उसको बिलीव किया, और सोसाइटी को उन्होंने डिपेंडेंट और टेक्नोलॉजी सिस्टम को ओवरकम करने के लिए और अपनी सूझबूझ से काम करने के लिए प्रेरित किया। इतना साल होने, कुछ सालों के बाद एरिच ने फोकस किया था कुछ इश्यूज़ पे, जैसे पॉवर्टी, इकोलॉजी और सोशल जस्टिस पे, समाज की न्याय के बारे में, गरीबी के बारे में। इसलिए उन्होंने कुछ एक सेंटर को फाउंड किया था जो था इंटरकल्चरल डॉक्यूमेंटेशन इन किरनावा, मैक्सिको में इसका सेंटर बना, और वो वहाँ पर बहुत सालों तक रहे थे। उनका उन्होंने जो टॉपिक वहाँ पे पढ़ाई होती थी, डायलॉग सर्व होते थे, वो डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे और ग्रासरूट मूवमेंट्स पे था। उन्होंने, एवन एरिच ने अपने राइटिंग से बहुत लोगों को इंस्पायर किया, उनके क्रिटिकल थिंकिंग को इंस्पायर किया, प्रोवोक किया डिस्कशंस के लिए, और इंस्टीट्यूशंस पे, इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान, इम्पैक्ट किया। वो एक बहुत बड़े समाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम किए थे और उनकी जो थिंकिंग है वो लोगों के दिल दिमाग में अच्छी तरह से चढ़ गई।
ये थी अभी तक उनके लाइफ स्केच के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। उनकी जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो जनरली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग के बारे में है कि जो स्कूल है वो बच्चों की क्रिएटिविटी को हिंडर कर रही है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं कि चूँकि आइडियाज़ हैं उनकी एजुकेशन फिलॉसफी पे, वो हम वन वन करके डिस्कस। पहला है उनका डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब कि एजुकेशन है वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए। उनका जो अजम्पशन है लर्निंग का वो फॉर्मल स्कूल सिस्टम होना चाहिए। बच्चों को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लर्निंग वेव जो है वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग में एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है। एक नेटवर्क होती है जहाँ पे बच्चों का रिलेशनशिप और रिसोर्स के बारे में बताया जाता है उसको अपनी एजुकेशन के थ्रू। उनका अपना नेटवर्क होना चाहिए, लाइक लाइब्रेरीज, मेंटर्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए बच्चों को, सो दैट अपने लर्निंग के थ्रू अपना वेव क्रिएट कर सके और अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सके। डी स्कूलिंग होना चाहिए उनका, बच्चों को खुद पे ही ध्यान देना चाहिए, अपने व्यूज़ को अपने आइडियाज़ को रखना चाहिए सामने, उनको बिलीव रखना चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग, लर्निंग को इंडिविजुअल होना चाहिए, अपने ग्रोथ अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे बिल्कुल फिट रखना चाहिए, अपने आप को इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अपने आप को एडवोकेट करना चाहिए, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करना चाहिए, अपने टैलेंट्स को पहचानना चाहिए। अब हम बात करेंगे उनके एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था एजुकेशन को लेकर। उनका जो मुख्य उद्देश्य था नंबर वन में कि सबसे पहले तो बच्चों को सेल्फ लर्निंग और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने जो नॉलेज है अपने स्किल्स को एक्विजिशन करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अपने लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहिए, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रमोट करना। इसके साथ एजुकेशन का मेन मोटिव ये भी होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट, अपने टैलेंट अपने इंटरेस्ट अपने वैल्यूज़ को अपने एथिक्स को डेवलपमेंट्स को सोशली इमोशनली फिजिकली हर तरीके से सेंस ऑफ आइडेंटिटी और पर्पसफुल उनके अपने लाइफ को एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, मीन पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने चाहिए, वो इवेलुएट कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके अच्छी तरह से। क्रिएटिविटी इन्हांस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली वो कोई भी चीज़ का डिसीजंस ले सके, उनको एबिलिटी होनी चाहिए थिंक करने की, बहुत सारी जजमेंट कर सके आराम से, अपने आप को डेवलप कर सके, अपने थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। इसके साथ साथ समाज के लिए वो बेहतर तरीके से काम कर सके, जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपना मुख्य योगदान देते हुए जब वो पढ़ के बाहर निकल जाए तो अपने देशों के देश विदेश के लिए अपने कंट्री के लिए फॉरेन कंट्रीज के लिए भी अपना अच्छा योगदान दे, एक अच्छी सिटीजनशिप की तरह उभर के सामने समाज के लिए अच्छा योगदान करे, अपना काम करे और अपना सिटीजनशिप का राइट्स अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए कुछ कंट्री के लिए कुछ समाज के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें कर सके। इसके साथ एजुकेशन का उनका ये भी उद्देश्य था कि एक बच्चों को वर्क और करियर दोनों चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, अपने करियर के लिए अपने अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम किस चीज़ पे हम बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं, हम किस चीज़ में बेहतर हैं उसको प्रमोट कर सके। तो अपने वर्क को अपने करियर को इस तरह से प्रमोट करें, टेक्निकल ट्रेनिंग्स लें, वोकेशनल कोर्स करें, वोकेशनल चीज़ों को सीखें, सो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनका बना रहे और वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सके और वर्ल्ड को एवेलुएट दे सके। उसके साथ साथ पर्सनल और सोशल सामाजिक स्तर पे और पर्सनल स्तर पे भी अपने आप को इनक्वालिटीज़ से डिस्क्रिमिनेशन से सोशल इनजस्टिस से दूर रखे और उन कमियों को पूरा करने का योगदान ले। सो इस वीडियो में बस इतना ही, अभी मैं लेती हूँ इजाज़त जाने के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।